गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पाठशाला डिफेंस में। वाई ग्रुप और सीडीएस की प्रैक्टिस के लिए लगातार हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस सेट जो है वो लगातार जारी है। तो उसी सीरीज में हम लोग आज अपने एक और प्रैक्टिस सेट को, जिसमें कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन उतना ही मिलेंगे जितने आप लगातार प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करते आ रहे हैं। और एक चीज और बता दें कि सैटरडे को मैं रागा की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। रागा सेक्शन जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। सैटरडे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बाकी आप लोग जैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसी होती रहेगी। या फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दिया करिए कि आपको जो प्रैक्टिस सेशन चाहिए वो कैसे चाहिए। मतलब कि जैसे 6 दिन है, 6 दिन मंडे टू सैटरडे क्लास होती है, कि उसमें आपको 3 दिन मैथ्स चाहिए, 3 दिन रागा चाहिए, 4 दिन मैथ्स चाहिए, 2 दिन रागा चाहिए। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन यू विल टेल मी इन कमेंट बॉक्स, मैं उसको वैसा अप्लाई करने की कोशिश करूंगा जैसा मेजोरिटी आएगी, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, आज का सेट शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल डाउट क्लियर बाई अनुराग दीक्षित को ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको मैथ्स में कोई समस्या आती है तो मेरा एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं द डिस्कशन बाय अनुराग दीक्षित सर के नाम से है। द डिस्कशन बाय अनुराग दीक्षित सर के नाम से है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर आप अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम या बायो की प्रॉब्लम को, फेलो या किसी भी चीज की प्रॉब्लम को फेलो एस्पिरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। या फिर अगर वो वहां पर आपको आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिलता है तो मैं पर्सनली आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन वहां पर सेंड करूंगा, ठीक है। तो आप इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी और यहाँ पर आपके जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला क्वेश्चन ये आ रहा है आपके सामने, कहता है कि अगर किसी संख्या को 221 से भाग दिया जाए तो शेषफल 64 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। मैं इसका बेसिक भी बता देता हूँ आपको और फिर उसके बाद यहाँ पर जो ट्रिक होगी वो ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि ट्रिक से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक भी बताऊंगा और इसका बेसिक भी आपको बता देता हूँ, जरा समझिएगा। कह रहा था कोई संख्या थी जिसको 221 से भाग देना था, तो संख्या तो हमें पता नहीं, तो मैंने संख्या मान ली एक्स, ठीक है। इस संख्या को मुझे किससे भाग देना था, 221 से भाग देना था। अब हुआ क्या कि 221 से भाग दिया गया तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो बता रहा 64 मिला, ठीक है, ऐसे ही तो बताया गया। अब मुझे अभी देखिए आगे का सवाल आप तब पढ़ेंगे जब आप इतनी बात को समझ पाएंगे। क्या आपको यह पता है कि 221 से इस संख्या में कितने बार भाग गया, नहीं पता है ना अभी, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। मैंने मान लिया कि एक बार भाग दिया, आप कुछ भी मान सकते हो सपोज थोड़ी देर के लिए, तो अगर एक बार भाग गया होगा तो ये संख्या क्या आएगी आप बताओ। अगर ये एक बार भाग गया होगा तो इसका मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देते हैं, तो सीधे आपको ऐड कर देना है क्योंकि 221 गुणे एक 221 ही होगा, तो ऐड करने पर क्या मिलेगा, 4 22 और 6 28 285 मिला। तो आप ये कह सकते हो कि ये संख्या 285 भी हो सकती है, लेकिन अब क्या है, अब उस संख्या को अगर 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, जरा गौर करिएगा यहां पे। अब इसी को अगर आपको 13 से भाग देना है, देखिएगा ध्यान से, तो 13 दूनी बेटा 26 हो जाता है, 2 बचेगा, 13 एकम 13 होता है, तो 12 शेष मिलेगा, कितना शेष मिलेगा 12। अब किसी के दिमाग में अगर ये आया होगा सर हम जरूरी है कि एक ही ले, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप एक ही लो, आप यहां पर 2 भी बना सकते हो, आप 3 भी कर सकते हो, आप 10 भी कर सकते हो, आप 212 भी कर सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम 2 बार ले लेते हैं तो संख्या क्या एक्स आती, जरा देखें, 221 दूनी होता है 442। अब 442 में जो शेषफल था यानी कि 64 उसे आपको ऐड करना था, तो आप इसे ऐड कर लेते 426 और 44 और 650, यानी तब संख्या जो होती x ना वो आपके पास कितनी होती 506। अब अगर इस 506 को आप 13 से डिवाइड करते तो देखिए क्या शेष आता, देखिए 13 गुणे 3 39 हो जाता, यहां पे मिलता आपको 11 और ये 6 लिख दिया, 13 5 65 13 6 78 13 7 91 13 8 104 13 8 104। अब आप अगर यहां पर इसको घटाते तो भी शेषफल क्या आता 12, यानी आप यहां 1 लिखो 2 लिखो 3 लिखो 4 लिखो कुछ भी लिखो आपका जो रिमाइंडर है वो सेम रहेगा दोनों हर कंडीशन में। ये हो गया इसका बेसिक तरीका कि आपको ये पता चल गया कि 12 इसका उत्तर होगा। लेकिन ये आपको नहीं करना है, आपको ट्रिक क्या इस्तेमाल करनी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको करना यह है कि जो पहला शेष मिला है
उसमें आप भाग दे देंगे दूसरी वाली संख्या से, बस आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 13 से पहले वाले शेष यानी 64 को भाग दे देना है, तो 13 चौको 52 हो जाएगा और शेषफल आपको मिल जाएगा 12, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। जो कि आप बेसिक से अगर करते तो काफी समय होता, टाइम टेकिंग होता, लेकिन यहां पर ट्रिक क्या है फिर से बता दे रहे हैं कि जो पहली बार आपको शेष मिला है, पहली बार का जो शेष है, पहला शेष, ठीक है, उस पहले शेष को आपको डिवाइड कर देना है दूसरे नंबर से, जो जिससे दूसरी बार भाग दिया जा रहा है, दूसरे नंबर से, ठीक है, इससे आप डिवाइड कर देंगे तो जो आपका शेष मिलेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, बोलो समझ आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमित तथा वीरी की वार्षिक आय का अनुपात 3 और 2 में है, उनका खर्च जो है वो 5 और 3 के अनुपात में है, यदि उनमें से प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत 1000 हो तो अमित की वार्षिक आय क्या होगी। देखिए इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा, दोनों बातें बताऊंगा, ठीक है, ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा, जरा ध्यान से समझना। ये लिखा अमित, ये लिखा वीरी, ठीक है, अब जरा देखिए अमित और वीरी की वार्षिक आय का अनुपात क्या है, 3 और 2, तो यहां पे लिख लेते हैं इनकम। इसकी इनकम जो अमित की होगी वो 3x के रेशियो में होगी, वीरी की 2x के रेशियो में होगी, ठीक है। अब इनकम के बाद जो खर्च थे उसको लिख लिया हमने एक्सपेंडिचर, खर्च किस अनुपात में, 5 और 3, तो इसको लिख लिया 5y और इसको लिख लिया 3y, ठीक है। सेविंग किस रेशियो में भैया, सेविंग कह रहा है कि दोनों जो है कितने रुपए की बचत करते हैं, दोनों 1000 रुपए की बचत करते हैं, यानी अमित भी वर्ष के अंत में 1000 रुपए बचाता है और वीरी भी, तो ये भी 1000 रुपए बचा रहा भैया और ये भी 1000 रुपए बचा रहा है। अब बताओ अगर मैं आपसे कहूं आपके पास 5 रुपए है, इनकम आपकी 5 रुपए है जिसमें आपने 3 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास बचे कितने होंगे, 2 रुपए की आपकी सेविंग होगी। ये सेविंग कैसे निकली, ये सेविंग तब निकली जब आपने इनकम में एक्सपेंडिचर को जो खर्च था उसको घटा लिया। तो यहीं पर आप इक्वेशन बनाओगे, कैसी पहली इक्वेशन कैसी बनेगी कि अमित का खर्च था 3x, इसकी इनकम थी 5y, इसमें घटा लिया तो 1000 रुपए बच गया। दूसरी कैसे बनेगी, वीरी का जो इनकम थी वो थी 2x में और इसकी जो बचत थी वो थी 3y में, जो खर्च था वो 3y में था, इसने भी 1000 रुपए बचाए। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो कि आंसर मिलेगा आपका, ठीक है। क्या पूछा था आपसे, पूछा था अमित की वार्षिक आय कितनी है, तो आप x और की वैल्यू निकाल लोगे तो अमित की वार्षिक आय आ जाएगी। लेकिन ये आपको करना नहीं है, आपको करना क्या है मैं आपको वो बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, यही मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे इसमें जो कहा गया था, एक लाइन में आपका आंसर आएगा, जैसे इसमें कहा गया था ना 1000 रुपए की बचत कर रहे हैं, तो जब बचत बराबर होगी तब आप कैसे लिखोगे, ये ध्यान से सुनना। ट्रिक क्या है, जितनी बचत है उसको लिख लो, लिख लिया, उसके बाद जिसकी इनकम आपको निकालनी है, जैसे यहां पर निकालनी है अमित की इनकम, तो अमित की इनकम किस रेशियो में थी, 3 के रेशियो में, तो वहां लिखा 3। बोलो इतनी बात तो समझ आ गई है, क्या करना है, आपने बचत लिख ली, बचत के बाद आपने क्या लिखा, आपने लिखा जो जिस व्यक्ति की इनकम निकालनी है उसके इनकम का रेशियो लिख लिया वहां पे। बोलो ठीक है, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करोगे, ध्यान से सुनना, सेविंग कैसे होती है ये भी आपको पता है, सेविंग होती ऐसे है कि इनकम में से उसके खर्च को माइनस कर लेते हैं, तो यहां पे लिखोगे इनकम माइनस खर्च, क्योंकि अमित की निकालनी इसलिए अमित की ही बात कर रहे हैं, वीरी की कोई बात नहीं कर रहे, वीरी की निकालनी होती तो हम वीरी की बात कर लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आप जरा देखो, अब आपसे कह रहा था, क्या कह रहा था, हाँ ये हो गया, फिर आपसे कह रहा था प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत क्या होगी, ये पूछा था ना, प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत क्या होगी। तो भैया जब ये पूछा है प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत क्या है, तो आप क्या करोगे, जैसे देखिए ये 3 और 2 लिखा था और ये लिखा था 5 और 3, तो ये जो रेशियो था इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 9 = 5 × 2 = 10, यानी कि 10 - 9 या 9 - 10 आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जिसकी पहले पूछा हो। तो बस अब यहां पे आपको करना क्या है, 1000 × 3 बेटा क्या हो जाता है, 3000, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा माइनस का 2, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का 1, ये प्लस ये माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3000 × 2 क्या हो जाएगा, 6000। तो आपसे जो पूछा था, क्या पूछा था आपसे, जो पूछा था कि अमित की जो एनुअल इनकम होगी वो एनुअल इनकम क्या आ गई, 6000 रुपए, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई ट्रिक। क्या करना है, अगर यहां पे वीरी का पूछा गया होता तो यहां पर 2 लिखा जाता, यहां पर 2 - 3 लिखा जाता, ठीक है, नीचे सब कुछ सेम रहता, नीचे जो रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने लिखा वो सेम रहता, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना,
एक लाइन में आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ट्रिक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बेसिक मेथड था, और दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया है वो इसकी इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस की ट्रिक है, जिसमें कि क्या है इनकम जो है सेम होती है, सॉरी जो बचत है वो सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है, एक घन का पृष्ठीय सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। घन समझते हैं, घन का मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ बराबर होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्यूब, ठीक। अब इसका कोई भी एक सिरा बढ़ाया गया है 50%, तो कह रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सरफेस एरिया में कितने परसेंट बढ़ेगा। तो भाई जो क्यूब का सरफेस एरिया होता है बेटा वो क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a² और यहां पर a क्या कहलाता है, a कहलाती है भुजा, ठीक है, a क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है। तो आपको यही बताया गया कि सिरा बढ़ाया गया है 50%, तो यानी भुजा 50% बढ़ाई गई है। अब देखो यही इसकी ट्रिक भी है, यही इसका बेसिक भी है, 6 तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो चेंज नहीं हो सकती, तो इसको आपको टच ही नहीं करना है। ए स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, 50% बढ़ा लिया, ये भी कितना बढ़ा लिया 50%, बोलो ठीक है। अब कह रहा है टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा, तो बेटा यहां पे मैंने आपको बताया था कि ए बी रूल आप ऐसे जो हुआ करें उसमें अप्लाई कर दिया करो, तो पहला 50% बढ़ा है, दूसरा भी 50% बढ़ा है, और तीसरा क्या हो जाएगा 50 × 50/100। तो भैया ये जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ये हो गया 100, और 5 × 5 = 25, यानी कि जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो 125% बढ़ जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, ए बी रूल समझ में आ गया ना, ए परसेंट प्लस बी परसेंट प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन आया, कह रहा है इसका मान क्या होगा, ठीक है, जरा गौर करिए, ऐसे क्वेश्चन जब आया करें तो उसका मान क्या होगा ये आपको समझाते हैं। केवल एक चीज से समझना, फिर मैं आपको पूरा चीजें आपको सेटिस्फाइड, जैसे ये पहला वाला जो लिखा था केवल इसको समझो, लिखा था 2 + √3/2 − √3। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ही तो सॉल्व करोगे कि इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाता 2 + √3² और नीचे भी आप 2 + √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a² - b² तो 4 − 3 हो जाता, बोलो हाँ है ना, इतनी तो बात समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है इतने इतने में, तो कोई डाउट नहीं है। अब ऊपर का जब आप स्क्वायर करोगे तो देखना क्या मिलेगा, 4 + 3 और प्लस क्या मिल जाएगा 4√3, ये मिलेगा, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना मिलेगा। तो ये जो डायरेक्ट आपने इतना यहां पर सीखा है कि ऊपर आ जाएगा 7 + 4√3, वो डायरेक्ट यहां से कैसे आएगा, इसको आप देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, इसी बात को आप जरा ध्यान से समझना, ठीक है, यही इसकी ट्रिक है और यही इसका सब कुछ है। ये जो चीज आप यहां पर इतना करने के बाद ला पाए थे कि ये जो आया था 7 + 4√3 और नीचे जो 1 था, ये डायरेक्ट कैसे आएगा ये समझो, क्या करना है आपको, अब सिर्फ इतना देखो नीचे के जो संख्याएं लिखी हैं उसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा, कैसे करेंगे जरा देखिए। देखो 2, ये जो लिखा हुआ है ना 2, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इस 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 2√3। अभी मैं कोई साइन नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ आप देखते चलो, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए फिर से आ जाएगा 2√3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए क्या आ जाएगा 3। जो साइन यहां लिखा है उसका रिवर्स आपको साइन लगा देना है, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ऊपर भैया 2√3 कितना हो गया 4√3 हो गया, और 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, बोलो आया भाई, तो ये हो गया भाई 7 + 4√3 4√3, और नीचे क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो भाई 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 1, बोलो ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आपका काम, देखिए कैसे करेंगे, 2 × 2 = 4, यहां से 2√3, देखना भाई ध्यान से, यहां से ये हो जाएगा 2√3 और √3 × √3 = 3, ठीक है। अब क्या जो साइन होगा यहां का उसका कैसा साइन लगाओगे, रिवर्स साइन लगाओगे, बोलो हाँ या ना, लेकिन रिवर्स साइन लगाने पर भी ये जो पार्ट होगा सिर्फ यही माइनस कराएगा, बाकी ये दोनों तो फिर जुड़ जाएंगे क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर जाएगा, तो ऊपर अब यहां पे क्या आ जाएगा 7 − 4√3 और भाई नीचे क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी फिर से 1 आ गया प्लस, इसको सॉल्व कर लो तो क्या बनेगा जरा देखो √3 × √3 = 3, √3 और ये हो जाएगा √3,
इसका गुणा करोगे तो माइनस रूट थ्री, इसका गुणा करोगे तो माइनस अभी हटा दो, ठीक है, माइनस की कोई बात नहीं करेंगे, इसका इसमें गुणा करो तो एक हो जाएगा। अब ये क्या मिलेगा, देखो नीचे साइन क्या लिखा है, माइनस, तो ऊपर क्या हो जाएगा, सब कुछ प्लस, तो भाई तीन और एक चार, चार प्लस टू रूट थ्री आ जाएगा, फोर प्लस टू रूट थ्री, और नीचे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तीन, इसका स्क्वायर होगा एक, तीन माइनस एक यानी दो। अब दो से इसको डिवाइड कर लोगे कॉमन करके तो ये दो हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब जरा देखो भैया यहां पर क्या आया था, यहां पर आ गया था, जरा गौर करना भैया, फोर रूट थ्री प्लस का, फोर रूट थ्री माइनस का, ये कैंसिल हो गया, तो सात और सात चौदह ये हो गया, प्लस टू प्लस, और यहां क्या था, टू प्लस रूट थ्री, तो चौदह और दो भैया कितना हो गया, सोलह, सोलह प्लस रूट थ्री आपका उत्तर हो गया, यानी ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को आप अगर अलग अलग करके सॉल्व करते तो ऐसे सबको आप तीनों को सॉल्व करते, और तीनों को सॉल्व करने के बाद फिर उनको एक साथ लगाते, फिर एक साथ लगाने के बाद फिर उसको लिखते, फिर आंसर निकालते, तो कम से कम इस मेथड से वो वाला मेथड कम से कम 20 सेकंड ज्यादा ले जाता, तो समय ही तो हमको बचाना है, ठीक है। तो आंसर बेटा हो गया 16 रूट थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं, तो इनको कैसे करेंगे, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करो, देखो तीन एकम तीन और दो पांच बटे तीन हो गया, अब ये पांच बटे तीन अगर वन अपॉन फाइव बाई थ्री लिखा है तो ये क्या पलट जाएगा, थ्री बाई फाइव हो जाएगा, हो जाएगा। तो भैया पांच एकम पांच और तीन, आठ बटे पांच हुआ यहां पर, आठ बटे पांच, ये वन अपॉन एट बाई फाइव तो ये फाइव बाई एट हो जाएगा, पलट गया, आठ एकम आठ प्लस पांच ये हो गया तेरह बटे आठ, कितना हो गया, तेरह बटे आठ। अब तेरह बटे आठ फिर से पलटेगा तो आठ बटे तेरह हो जाएगा। अब देखो आठ बटे तेरह हो गया तो तेरह एकम तेरह और आठ, इक्कीस बटे तेरह हुआ, इक्कीस बटे तेरह। अब ये फिर से पलट जाएगा तो तेरह बटे इक्कीस हो जाएगा। अब यहां पे क्या करोगे, इक्कीस एकम इक्कीस प्लस तेरह चौतीस, चौतीस बटे इक्कीस क्या आ जाएगा, चौतीस बटे इक्कीस, फाइनली आपके पास उत्तर हो जाएगा। आपको नीचे से ऊपर की तरफ लेके चलो, चौतीस बटे इक्कीस आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा इस ऐसे क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करेंगे ऊपर की तरफ, क्लियर, कोई दिक्कत। ये ध्यान रखिएगा कि जो वन अपॉन है यहां पर जो फ्रैक्शन होती है वो पलट जाती है, ठीक है, पलट जाती है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा। देखो ये जो लिखा हुई है संख्या, इसका वर्गमूल आपसे पूछ रहा है कैसे निकालोगे। जैसे लिखा हुआ था 14 प्लस 6 रूट 5, और इसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना था। तो भाई किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, भाई देखो स्क्वायर रूट कैसे निकलेंगे, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, इसके अलावा तो कोई स्क्वायर रूट नहीं बनता है। अब जरा देखो यहां पर क्योंकि साइन प्लस का लगा है इसलिए माइनस वाला तो कोई काम हो नहीं सकता, यानी ये हमारे पास से कैंसिल हो गया, यानी इसको ही इसी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। अच्छा इसकी फॉर्म क्या बनती है, इसकी फॉर्म बनती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बोले यही तो बनती है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जिस भी इसका आपको जो इस पूरे का जो स्क्वायर रूट निकालना था, वर्गमूल निकालना था, उसमें इस भाग को इसके टू ए बी से कंपेरिजन कर देना, भाई ये लिखा था सिक्स रूट फाइव, इसका कंपेरिजन करना है टू ए बी से, तुलना। अब कैसे करेंगे भैया, यहां तो सर टू है लेकिन यहां तो टू हमको मिल नहीं रहा, तो वो कैसे मिलेगा टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो टू इंटू थ्री इंटू रूट फाइव। अब देखो टू ए बी मिल गया, हो गया कंपेरिजन, तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया तीन, और बी का मान कितना हो गया, बी का मान हो गया रूट फाइव, हो गया। अब जरा आप अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, ए का मान अगर हम रखते हैं क्या तीन, तो तीन का स्क्वायर, बी का मान अगर रूट फाइव रखोगे तो रूट फाइव का स्क्वायर, और टू ए बी अगर रखोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, सिक्स रूट फाइव, बोलो ठीक है। यानी ए का मान तीन है पक्का है, ठीक है। तो भैया अगर ए का मान तीन है तो इसको भी तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर देखो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नौ और ये बन जाएगा पांच, और ये एज इट इज सिक्स रूट फाइव रहेगा, तो भैया नौ पांच चौदह होता है, यही तो है, ये क्या है, यही तो है। यानी इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको आप लिख सकते हो थ्री प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर, बोलो लिख सकते हो थ्री प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर, तो यहीं पे ऐसे ही लिख दो रूट ऑफ थ्री प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया थ्री प्लस रूट फाइव, यानी जो स्क्वायर रूट पूछा गया था वो हो गया थ्री प्लस रूट फाइव, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। हर एक बात मैं आपको पूरे बेसिक से समझाते हुए चल रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये आपके पास अगला प्रश्न है। कह रहा है एक्स मल्टीप्लिकेशन का साइन वाई है, तो उसको अगर ऐसे लिखा जाता है इस तरीके से, तो कह रहा है 2p प्लस ई अगर 50 हो तो p का मान क्या होगा। जरा देखो, आपने ये समझा कि अगर दो वेरिएबल हैं इस प्रकार से तो उनको ऐसे लिखेंगे, तो यहां पे भी तो सेम है तो इसको भी ऐसे लिखा जाएगा। यानी आप ऐसे जियो जो लिखा है 2p स्टार का साइन 5p, इसको आप कैसे लिखोगे उस तरीके से, यानी कि 2p प्लस 5p प्लस 1, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब इसका मान आपको दे रखा था कितना भैया, 50, तो इसकी जगह लिख लो 50। ये कितना हो गया, ये हो गया 7p प्लस 1, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा और यहां बचेगा 7p। तो p का जो मान पूछ रहा था आपसे, p का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 7, क्या आ जाएगा, 7, यानी कि ऑप्शन सी भी यहां पर आपका क्या बन जाएगा, आंसर। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर, बोलो समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, ये लो अगला क्वेश्चन। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, एक ग्रहणी चीनी को यथावत, वह चीनी के व्यय को यथावत रखना चाहती है, एज इट इज रखना चाहिए, उसे चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो देखो इसको मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत शानदार ट्रिक है, ठीक है, गौर करना। कह रहा है चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 20%। तो 20% को अगर आप भिन्न में लिखते हो, फ्रैक्शन में लिखते हो, तो क्या लिखते हो, 1/5, यानी जो चीनी पहले 5 रुपए की मिल रही थी अब वो 1 बढ़ गई तो 6 की मिल रही है। अब क्या होता है, कहता है गृहिणी जो है चीनी पर हुए व्यय को बढ़ाना नहीं चाहती है, वो पहले जैसा ही रखना चाहती है। आप तो 5 से 6 पर आ चुके हो, लेकिन आपको यह पता चला कि हमें बढ़ना था ही नहीं, हमें तो वहीं पर रहना था, तो अब आप क्या करोगे, आप 6 से 5 पर फिर से वापस आओगे, और 6 से जब 5 पर वापस आओगे तो आपको 1 कम करना पड़ेगा। किस पे करना पड़ेगा, 6 पे करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप 6 से 5 पर वापस आ रहे हो। तो 1/6 इसको प्रतिशत में बदल लीजिए, तो ये हो जाता है 16 होल 2/3%, यही आपका उत्तर हो जाएगा, और यही सबसे शॉर्ट ट्रिक है इस सवाल की, इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता, कोई बता भी नहीं पाएगा, ठीक है, समझ आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए कह रहा है 312 रुपए को 60 लड़कों तथा लड़कियों में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक लड़के को 3 रुपए 60 पैसे तथा प्रत्येक लड़की को 2 रुपए 40 पैसे मिले, तो लड़कियों की संख्या कितनी है। गौर करिएगा, ध्यान से देखना मैं आपको क्या समझाने वाला हूं इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी बात अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए भी एक और अच्छी चीज आपको यहां पर समझने को मिल जाएगी। पहला तरीका जो इसका मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो पहला तरीका है वो मैं आपको एलिगेशन बताऊंगा, कौन सा बताऊंगा, एलिगेशन वाले से। जरा देखो, ये हो गया लड़के और ये हो गया लड़कियां, इनकी कुल संख्या थी 60, ठीक है, कुल संख्या क्या थी 60, यहां पर लिख लिया। अब आप ये देखो कि कह रहा है ना, कि क्या कह रहा है भैया, कि एक लड़के को कितने रुपए मिलते हैं, 3 रुपए 60 पैसे मिलते हैं। अगर एक लड़के को 3 रुपए 60 पैसे मिलते हैं, तो अगर मैं ये मान लूं कि सभी के सभी 60 लोग क्या थे, लड़के ही थे, तो क्या हो जाएगा, 60 लड़कों को 3 रुपए 60 पैसे के हिसाब से पैसा मिलेगा, बोलो हाँ या ना। कितना आ जाएगा, 0 0 36 × 6 216 होता है, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, यानी 216 का हिसाब बनेगा, बोलो ठीक है। अच्छा, अगर एक बार ये मान लूं कि सारी की सारी लड़कियां थी, तो लड़कियों का हिसाब अगर करें तो 60 लड़कियां मान लें और एक लड़की को 2 रुपए 40 पैसे मिलते हैं, तो अगर इसका हम गुणा करें तो क्या मिलेगा, 2 0 144, ठीक है, 2 अंक पर दशमलव, तब ये पता चलेगा कि 144 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ना 216 रुपए बटे हैं, ना ही 144 रुपए बटे हैं, रुपए कितने बटे बेटा, 312। गुणा सही किया, 6 4 36 6 आंसर लगा, 3 6 18 और 1 3 21। अब यहां पर 6 2 24 4 6 2 12 और 2 14, 216 और ये कितना था, 144, ठीक है। तो कह रहा है कि वितरित किया गया है। अब जरा ध्यान से समझना, आपने एक बार क्या माना कि पूरे के पूरे 60 के 60 बच्चे क्या थे, लड़के थे, तो उसका हिसाब हमने लड़कों से कर लिया। एक बार आपने क्या माना कि 60 के 60 लड़के क्या है, लड़कियां, तो उसका हिसाब लड़कियों से कर लिया। अगर सबके सब लड़के होते तो 216 रुपए बांटे जाते हैं, और अगर सबके सब लड़कियां होती तो 144 रुपए बांटे गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, रुपए कितने बटे, 312। अब यहां पर आप रेशियो निकाल लो, आंसर निकाल लो, एक तरीका ये हो गया, ठीक। इतनी बात पहले समझ में आई, देख लो एक बार सभी लोग, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हाँ ये पहले देख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
फिर अगला जो तरीका है वो मैं इतना सरल बता दूंगा आपको कि आपका जो है मन एकदम प्रसन्न चित्त हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक कैसी है वो जरा ध्यान से समझना, बहुत सरल ट्रिक, एक लाइन में आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे, जरा देखो, आपको ये पता है ना टोटल कितने रुपए बांटेगा, 312 रुपए, ठीक। और संख्या आपको किसकी निकालनी है, लड़कियों की संख्या निकालनी है, तो जिसकी संख्या निकालनी है उससे मतलब ना रखो, लड़कों की संख्या कितनी है। अगर मैं मान लू 60 के 60 लड़के और इस हिसाब से अगर पैसा मिलता तो आपने देखा 216 रुपए बांटे आते, तो इसमें से 216 घटा दो, यानी लड़कों को मानकर उनका पूरा पैसा घटा दिया गया, लेकिन संख्या तो हमसे लड़कियों की पूछा था, तो यहां पर लिखा हमने लड़कियों की संख्या कैसे निकलेगी। अब बताओ एक लड़की को कितने पैसे मिल रहे थे, एक लड़की को मिल रहे थे 2 रुपए 40 पैसे, बस यहां पर आपका काम खत्म हो गया। देखिए कैसे, 312 में से 216 घटाएंगे 96 आ जाएगा, और नीचे था 2 रुपए 40 पैसे, दशमलव हटा दीजिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 0 से 0 काट दो, 24 चौके 96, यानी कि लड़कियों की संख्या हो जाएगी 40। ये आपका उत्तर हो गया। लड़कों का पूछा होता तो यहां लड़कियों के टोटल रुपए लिखे होते और ये लड़कों की संख्या से भाग दिया होता, ठीक है। तो भैया लड़कियों की संख्या जो पूछा था वो कितनी आ गई, 40, ठीक है। ये ट्रिक है और ये पूरा बेसिक वाला मेथड था, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो कह रहा है इसका जो है एलसीएम निकालना, ये तीन फ्रैक्शन दिए हैं आपको, ये वाली कहता है इसका एलसीएम निकालना। तो जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता, सपोज करो आपके पास ये लिखा होता a अपॉन b, c अपॉन d और e अपॉन f, ये लिखा होता, ये तीन फ्रैक्शन होती, 2 होती 3 होती 10 होती कितनी भी होती, इनका अगर आपको एलसीएम निकालना होता है तो हमेशा ध्यान रखना कि एलसीएम निकालने में क्या करते हैं, जो ऊपर लिखी संख्याएं होती यानी जो न्यूमरेटर्स होते हैं, यानी कि ए सी और ई का आप एलसीएम निकालते हैं, का एलसीएम निकालते हैं, और जो नीचे लिखी संख्याएं यानी कि बी डी और एफ, इसका आपको निकालना पड़ता है एचसीएफ, इसका क्या निकालना पड़ता है एचसीएफ, ठीक। और अगर यहां पर लघुत्तम की जगह पूछ देता है एचसीएफ निकालो, तो बस उल्टा कर देते कि ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते, नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो भाई 7, 21 और 9 का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ये एलसीएम आ जाएगा 63, 7, 21 और 9 का अगर एलसीएम पूछा जाता तो इसका एलसीएम, मैंने आपको तरीका बताया था, जिसने नहीं पढ़ा वो क्लास में जाके एक बार देखे, तो इसका एलसीएम हो गया 63, ठीक। अब नीचे वाला जो लिखा थी संख्या उसमें लिखी थी 10, 22 और 14, अगर इसका एचसीएफ निकालना है, इसका HCF, तो इसका HCF हो जाएगा बेटा 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 63/2, यानी पहला। तो आप आसानी से ये बात कह सकते हो कि ये जो तीनों भिन्न लिखी हैं, तीनों भिन्नों का जो LCM होगा वो हो जाएगा 63/2, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, पूरी बात आपने समझी जानी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले अगले सवाल पर, यानी 11वें नंबर सवाल पर। चलो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या के 56% और 39% के बीच का अंतर इतना है, संख्या का 63% कितना होगा। अपने पास टारगेट क्या है, अपने पास टारगेट सबसे पहले ये है कि हमें ये तो पता चले कि संख्या क्या है, तभी तो हम उसका 63% निकाल पाएंगे। अब बात ये आती कि सर संख्या कैसे निकलेगी, है ना। तो देखो संख्या कैसे निकलेगी, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए, आप मानो चाहे ना मानो, मैंने मान लिया संख्या है 100, ये मैंने अपना नंबर मान लिया, ठीक है। आप कुछ भी मान लो, आप x मान लेना जो आपको अच्छा लगे, x मान लो, y मान लो, ये जो फिर नाम हो उसका, ठीक है, x का वो मान लो, ठीक है। अब जरा देखो, अगर इस नंबर का 56% निकालोगे तो ये 56 ही आएगा, और अगर इस नंबर का 39% निकालोगे तो ये 39 ही आएगा, और कहता है इनके बीच का अंतर जो है वो है 425। भैया 56 और 39 के बीच का डिफरेंस कितना है, 16 में 900 गया 7 बचा, यहां 4 में से 3 गया 1 बचा, 17 है अंतर, 17, और इस 17 की वैल्यू आपको दे रखी है 425, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, बचेगा 8 और 17 पुना 85, 1 की वैल्यू हो जाएगी 25। अगर 1 की वैल्यू 25 हो गई तो आपने संख्या बेटा क्या मानी है, 100, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 2500, यानी आपके पास अब एक काम से आप फुर्सत हो चुके हो जिसमें था कि संख्या कैसे निकलेगी, तो संख्या तो आ गई है आपकी 2500।
अब पूछा ये था इस संख्या का 63% क्या होगा, तो भाई 2500 का 63% निकालना जो है वो नॉट अ बिग डील, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई कर देना 25 75 के 5 7 हासिल हो गया, कैरी हो गया, 25 6 150 150 और 7 157, तो उसका 63% कितना आ जाएगा बेटा, 1575 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कठिन नहीं था। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान उम्र का अंतर इतना है, 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात ये हो जाता है, तो ए और बी की वर्तमान, तो बी की वर्तमान उम्र बताएं। सरल सवाल है, कठिन बिल्कुल नहीं है, बस ध्यान देना है। देखो क्या कह रहा है, ए और बी जो है इसकी वर्तमान उम्र का जो अंतर है वो जो अंतर है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ए बड़ा है या आपको पता है कि बी बड़ा है, भी कुछ नहीं पता है, ठीक है, इसका जो अंतर है वो है 15 वर्ष, अंतर के लिए साइन लगा दिया। कह रहा है 10 वर्ष के बाद उनकी उम्र का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 4:7। अब 10 वर्ष के बाद यानी 10 वर्ष अगर यहां से ऐड करोगे तो ए की उम्र भी 10 साल ज्यादा हो जाएगी और बी की उम्र भी 10 साल ज्यादा हो जाएगी, और तब की कंडीशन में क्या होता है, इसका अनुपात जो होता है 4:7 हो जाता है। कहता है दोनों की वर्तमान उम्र का पता लगाओ, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, एज वाले जितने भी क्वेश्चन हुआ करें आप कोशिश किया करो कि ऑप्शन से अगर हो जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होते हैं ऑप्शन से, अगर आप कोशिश करते हो और नहीं होते तो फिर ये तरीका है आपके पास, ठीक है। जैसे देखो जरा ध्यान से सुनो, अगर आपको पता है कि इसकी उम्र ए मान लेते हैं, इसकी बी मान लेते हैं, तो 10 साल के बाद ए की उम्र क्या होगी, ए प्लस 10, और 10 साल के बाद बी की उम्र क्या होगी, बी प्लस 10, और तब इनका अनुपात क्या बनेगा, 4:7, ठीक। तो यहां से आपको इनकी उम्र का जो रेशियो होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे पता चल जाएगा जरा देखो, तो ये हो जाएगा भाई 7a प्लस 70, यहां पर क्या हो जाएगा 4b प्लस 40 हो जाएगा। अब क्या करोगे, 7a माइनस 4b करो, 7a माइनस 4b, तो यहां से क्या आ जाएगा, -30। रेशियो भी निकाल सकते हो, अंतर भी निकाल सकते हो, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर सकते हो, लेकिन ये सब नहीं करना है। यही अगर करना होता तो हम लोग बेसिक वाला तरीका ही पढ़ते हैं, लेकिन वो बेसिक वाले की हमें जरूरत ही नहीं है। ये आप समझ गए, इतनी बात समझ पाए हो ना, ठीक है। अब जरा आप देखो, अगर इसको ऑप्शन से करते तो कैसे करते, ए और बी, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ये ट्रिक है, आप ध्यान से समझो। किसकी उम्र पूछ रहा था, बी की, किसकी उम्र पूछ रहा था, बी की। अच्छा, अगर बी की उम्र हम पहला ऑप्शन मान लेते हैं कि ये 25 वर्ष है, थोड़ी देर के लिए बी की उम्र हम पहला ऑप्शन मान लेते हैं कि 25 वर्ष है, और अपने दिमाग में ये मानते कि ए इससे बड़ा है, और अगर ए बड़ा है कितने वर्ष बड़ा होता, 15 साल, तो इसको हम 40 मान लेते हैं, बोलो ठीक है। अब भैया बताओ 10 साल बाद ये 50 का होता, 10 साल बाद ये 35 का होता, ये 50 और 35 का रेशियो अगर आपको ये बताता कि ये 4 और 7 है तो आपका आंसर सही होता, नहीं बताता तो गलत होता, 5 से 10 बार होता, 5 से 7 बार होता, ये तो बता रहा है कि 10 और 7 है, यानी ये तो नहीं होगा, यानी ये 40 नहीं हो सकता, एक तरीका ये है। अच्छा, अगर ये 25 और दोनों की उम्र का अंतर 15 है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये 25 होगा और 15 अगर इसमें कम कर दो तो ये 10 होगा सिर्फ, ये भी तो कह सकते थे, जरूरी नहीं कि बड़ा ही हो, छोटा भी तो हो सकता था, बोलो हाँ है ना, ए छोटा भी तो हो सकता है, तो और 10 साल बाद अगर ये जुड़ेगा तो ये 20 साल का होगा, 10 साल इसमें जुड़ेगा तो ये 35 साल का होगा। भाई अब अनुपात बताओ जरा, 5 चौको 20 5 7 35 आया 4 और 7, यही तो उसमें कहा था 4 और 7, तो इसका मतलब जो पूछ रहा था बी की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो बी की वर्तमान उम्र तो 25 वर्ष ही होगी, ए की पूछी जाती तो आप ए की वर्तमान उम्र क्या बताते, 10 वर्ष, बात खत्म हो जाती, ठीक। ये बेसिक तरीका था, और ये थे ऑप्शन वाले तरीके, जिससे आप तुरंत के तुरंत देखते ही आंसर पता कर लेते, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है तो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 आ गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है, राम और श्याम के वेतन इस अनुपात में है, राम का वेतन श्याम के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो भाई ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसलिए अच्छा है, सिर्फ इसलिए अच्छा है, बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ इसलिए अच्छा है कि जो रेशियो दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, नथिंग एल्स, ठीक है। अब जरा देख लो इसको भी, हम आपको समझाते हैं। 2 सही 1/2 को आप 5/2 लिख सकते हो, और 2 सही 1/4 को 9/2 लिख सकते हो, बोलो हाँ है ना,
लिख सकते हो 9/4 लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हो। अब जरा देखो कितना सरल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो भिन्न है इसका काम खत्म हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 × 20 और ये हो जाएगा 9 × 2 = 18, ठीक है। एक मिनट, 5 × 20 हो गया और 9 × 2 = 18 हो गया। अब आप अगर इसको 2 से और सिंप्लीफाई कर दो तो ये 10 बार हो गया, ये 9 बार हो गया, यानी आपको ये पता चल गया ये कौन था, ये था राम और ये था श्याम। आपको ये पता चल गया कि ये राम का वेतन है, ये श्याम का वेतन है। आपसे क्या पूछ रहा था, कह रहा था राम का वेतन श्याम से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो ये तो दिख रहा है ना आपको कि राम अगर 10 रुपए कमा रहा है और श्याम अगर 9 रुपए कमा रहा है तो राम श्याम से 1 रुपए ज्यादा कमा रहा है। किससे ज्यादा कमा रहा है, श्याम से, यानी 9 से। कितने प्रतिशत, 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 का मतलब होता है 11 से 1/9% ही तो करना था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल कहता है, अगले क्वेश्चन में, किसी नगर की कुल आबादी जो है 240,000 है जिसमें 132,000 पुरुष है, प्रत्येक 100 पुरुषों में 90 पढ़े लिखे। कुल आबादी के 64% पढ़े लिखे हैं, स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत बताएं जो पढ़ लिख सकती है, यानी लिटरेट है। जरा देखो भाई, कुल आबादी है 240,000, इसमें क्या है, ये टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। इसमें पुरुषों की संख्या कितनी दे रखी है, पुरुषों की संख्या है 132,000, ये पुरुष है। तो अगर इसमें से 132,000 आप घटा लेते हो तो 108,000 बचेगा। ये 132,000 कौन थे, मेल थी। तो बेटा फीमेल कितनी होगी, 240,000 में 132,000 घटा लिया तो ये 108,000 संख्या जो बची वो बची फीमेल की, महिलाओं की, ठीक है। इतने में तो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, गौर करिए। आगे बढ़ने में इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक 100 पुरुष में से 90 पढ़े लिखे हैं। तो 100 में से 90 पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है, 90% साक्षरता हो रही है। तो भैया अगर 100 में से 90 पढ़े लिखे हैं तो 90% साक्षर हुए, तो इसका मतलब 10% जो है जो पढ़े लिखे नहीं है। बोलो आप इस मेल कैंडिडेट में क्या कह सकते हो, आप मेल कैंडिडेट में कह सकते हो कि 90% जो है वो लिटरेसी है, यानी प्लस साइन के साथ। तो क्या बचा, 10% ऐसे बचे जो पढ़े लिखे नहीं है, ना पढ़े लिखों को माइनस लिख रहे, पढ़े लिखों को प्लस लिख रहे, इतनी बात तो ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कुल आबादी का 64% जो है वो पढ़े लिखे हैं, कुल आबादी का 64% पढ़े लिखे, तो स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत बताना है जो पढ़े लिखे नहीं है। इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां समझ लो आप। टोटल आबादी कितनी थी, 240,000, इसका 64% पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसका भाई 64% कितना आएगा, 240,000 का अगर आप निकाले, यहाँ पे देखो 240,000 का अगर आप, हम निकाल देते हैं लेकिन ये बाएं हाथ का खेल होना चाहिए आप सभी लोगों के लिए, यही कैलकुलेशन जो होती है यही टाइम लेती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते थे, ठीक है। अब भाई 240,000 का अगर 64% निकालना है तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, गुणा कर लेते हैं, 2 0 अगर लगा लो 24 × 4 = 96, हासिल लगा 9, 24 × 6 = 144, 144 और 9 कितना हो गया, 153, 144 और 9, हाँ 153, तो ये 1,53,600, यानी कि 1,53,600 लोग पढ़े लिखे हो गए, ठीक है, किसका, 240,000 का। अब जरा ये बताओ हमको, इसमें पूछ रहा था महिलाओं का संख्या, वह संख्या जो पढ़े लिख सकती है उसका प्रतिशत क्या है। तो हमें अगर ये पता हो कि कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं तो इस 1,53,600 में से हम पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या घटा लें तो पढ़ी लिखी महिलाएं आ जाएंगी, बस इतना ही करना रह गया है। 1,32,000 का 90% कितना होगा, यानी इसका अगर आपको 1/1,32,000 का, ध्यान से देखो जरा, 1,32,000 का 90% यानी कि 9/10 भाग निकालना, तो ये कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 0 0 9 0 0 9 2 18 1 8 आंसर लगा 1 27 28 2 9 = 9 2 = 11 कितना आ गया, 1,18,800। तो भैया 1,53,600 कुल पढ़े लिखे लोगों में कितने पढ़े लिखे पुरुष हैं, 1,18,800, 1,53,600 कुल पढ़े लिखे लोगों में 1,18,800 पढ़े लिखे पुरुष हैं, तो पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी होंगी, घटाने पर आएगा 16 में से 8 8, 12 में से 8 4 4 में से 1 3, 34,800 महिलाएं जो है वो क्या है, पढ़ी लिखी हैं।
34,800 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, कितने में से, 1,08,000 में से, इसी का प्रतिशत निकालना है बस। 34,800 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं 1,08,000 में से, ठीक है। और मैं आपको अभी भी फिर से एक बार बोल दे रहा हूं कि ये तरीका जो है ये बेसिक तरीका है, ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है। गुणे 100, प्रतिशत निकालना था। 0,0 कैंसिल हो गया, 1,0 से 1,0 ये भी कैंसिल हो गया। अब आप इसका प्रतिशत निकाल लेना तो आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। और क्या होगा उत्तर? 32/2%, ठीक है। बोलो समझ आया? इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। जितने लोग ये चाह रहे हो कि इसको एलिगेशन से सर बता दें, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता देना कि सर ये एलिगेशन मुझे, सर ये एलिगेशन से चाहिए या इसका जो शॉर्ट मेथड है वो भी चाहिए, ठीक है। दोनों बातें अगर आप लिख के बताओगे तो ही मैं बता पाऊंगा, क्योंकि देखने वाले काफी सारे लोगों में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको बेसिक की जानकारी होनी जरूरी है। तो ये तरीका बेसिकली मैंने उन्हीं के लिए बताया, ठीक है, ताकि आप हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप समझ सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की संख्या क्या होगी, मात्रा क्या होगी। 40 लीटर का मिश्रण था मिल्क और वाटर का, ना मिल्क और वाटर का, जिसमें कि 10% पानी है। तो भैया 10% पानी है तो इसका मतलब 90% दूध होगा, यानी जो रेशियो देखो तो आप 9:1 के अनुपात में होगा ये, ठीक है। 9:1, 10 का मान है 40, तो आप ये कह सकते हो 1 का मान 4 लीटर होगा, 1 की वैल्यू, यहां तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है नए मिश्रण में 20% पानी चाहिए, तो दूध कितना मिलाया जाए, पानी की मात्रा क्या होगी, मिलाया गया पानी की मात्रा 20%। अब जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें 20% पानी होना चाहिए और इसका मतलब 80% दूध होगा, तो यह अनुपात आ जाएगा 4:1 का। अब आप एक चीज देखो, मिलाया भी पानी गया है, बढ़ा भी पानी की प्रतिशत ही है, कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं सवाल है, ठीक है। एक तो ये आपका रेशियो वाला तरीका हो गया, मिलाया क्या जाने, मूल मिश्रण में मिलाया जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगी, एक तो ये तरीका हो गया। किसकी मात्रा पूछ रहा है? पानी की। इसका मतलब दूध नहीं मिलाया, चलो पूरा बता देते हैं। पानी की मात्रा पूछ रहा है, इसका मतलब दूध नहीं मिलाया गया, और दूध नहीं मिलाया गया तो यहां पर दूध की मात्रा को दूध के अनुपात को बराबर करना पड़ेगा। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 9 से करोगे, तभी ये बराबर होगा। तो ऊपर 4 से यहां भी कर लो, नीचे 9 से यहां भी कर लो, तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 9। तो आपको ये पता चल गया कि 4 से अगर कोई चीज 9 हो रही तो कितनी मिलाई गई है, 5 मिलाई गई है। कितनी मिलाई गई? 5। बोलो हाँ है ना, इतनी बात ठीक है। आगे आप जानते हो क्या करना है, दूसरी बात, ठीक है, जरा ध्यान से। अब एक तरीका और देखो, अगर ये 40 लीटर का मिश्रण था जिसमें कि प्रतिशत क्या था, 10% पानी था, तो उसका 10% क्या होगा, 4 लीटर पानी, तो आप ये कह सकते हो कि 36 लीटर दूध है। कितने लीटर दूध है? 36 लीटर, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर सपोज करो कि यहां पर हमने ये मान लिया होता कि 6 लीटर पानी मिलाते, तो 6 लीटर इसमें तो ऐड होता ही होता, प्लस मूल उसमें भी ऐड होता, होता या नहीं होता, बोलो होता। तो ये हो जाता भाई 10 और मूल वाला हो जाता 46। अब ये बताओ 10 जो है वो 46 का 20% है क्या? 10 जो है 46 का 20% है? नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, सॉरी ये आंसर नहीं हो सकता था। अब जरा देखो, अगर इसी में हम 5 मिलाते हैं, ये 5 यहां मिला लिया होता, ये 5 यहां मिला लिया होता, तो अगर 5 मिलाया होता इसमें तो ये बन जाता 9 और ये बन जाता 45। 9 × 1 = 9, 9 × 45, यानी कि ये 20% आ जाता कि नहीं आ जाता। तो आप आसानी से ये बात कह सकते थे कि अगर हम 5 लीटर पानी मिला देते तो अपना काम बन जाता। कितने लीटर पानी मिला देते? 5 लीटर, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 5 लीटर। बोलो ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब किसी को ये समझ में आ रहा होगा सर यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे, तो वो भी हम बता दे रहे हैं। हमें पता था कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी, जान रहे थे। खैर देखो, यहां से समझ लो, ठीक है। आपको ये पता चल गया था ना कि रेशियो जो था, पहले वाला रेशियो जो था वो 9:1 का था और लास्ट वाला जो रेशियो था वो 4:1 का था। इतनी बात तो समझ आ गई थी। और क्योंकि 40 लीटर का मिश्रण था तो आप ये कह सकते थे कि 9 ये भाग जो था कि 10 = 40 लीटर था, तो 1 = जो है 4 लीटर के आ गया था। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या मिलाया गया था? पानी। तो क्या नहीं मिलाया गया होगा? दूध। तो दूध की मात्रा को बराबर करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
तो इस वाले पार्ट में आप किससे मल्टीप्लाई कर देते, 4 से, और इस वाले पार्ट में किससे मल्टीप्लाई करते, 9 से, तभी ये मात्रा आपस में बराबर होती। देखो 9 चौको 36 और 9 चौको 36, तभी दूध की मात्रा बराबर होती। ये 4 होता, ये 9 होता, कितना आगे बढ़ाते, 4 और 9 से आगे बढ़ता कितना, 5, यही आपका उत्तर हो जाता। यानी कि कितने लीटर इसमें पानी मिलाया जाता, 5 लीटर। इससे भी आप कर सकते हो, ये ऑप्शन भी है और ये ट्रिक भी है। ये बहुत अच्छा तरीका है ऑप्शन का, इसको ही आप ट्रिक समझो, ये बहुत अच्छा तरीका है। ऐसे जो छोटे छोटे सवाल होते हैं ना, इनको आप बेसिक मेथड से करने से अच्छा है कि ऑप्शन का सहारा लो, ऑप्शन दिए ही इसीलिए जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? जिसको भी जो भी चीज नहीं समझ में आई हो, वो कमेंट में जरूर लिख के बता देना कि सर ये बात मुझे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आया, वैसे मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो आपको समझ ना आया हो, ठीक है, उम्मीद, मैंने पूरी कोशिश ऐसी की है। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे ये जरूर बता देना कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, आप इसको फिर से बता दीजिए, तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। मैंने जो शुरुआत में कहा था, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसे चाहिए, प्रैक्टिस सेट में रागा चाहिए बराबर इक्वालिटी में, या फिर मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन चाहिए, रागा कम चाहिए, रागा ज़्यादा चाहिए, मैथ कम चाहिए, ये सारी बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी पूरी बात को समझ पाऊँ, जान पाऊँ, उस हिसाब से मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ उसको मैं डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, बाय बाय।